हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक आपके सामने है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा कि मैं इस वीडियो में क्या बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसका पुराना चौक निकाल के नया चौक इसमें इंस्टॉल करा है। मुझे लगा था चौक खराब है, चौक पहला जो चौक था वो खराब ही था, लेकिन चौक डालने के बाद भी इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है इसी फॉल्ट आपके पास भी आते होंगे। तो फिलहाल जो जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो यहाँ पर मिलेगी। आपको सिर्फ यहाँ पर कमेंट करना है कि किस जानकारी के बारे में आपको जानना है। तो फिलहाल आप इसके बारे में आपको मैं सिखा देता हूँ जिस टॉपिक पर आप इस वीडियो में आए हैं या यहाँ पर आप आए हो। तो आपको बता दूं कि ये फोकस जो है हमारा है 50 वोल्ट का, और रही बात एलईडी की तो यहाँ पर 12 वोल्ट की एक एक एसएमडी स्पार्ट है और 50 वोल्ट का एक ये पैनल है। 71 एलएम भी है इसमें एलईडी है और 71 एलईडी है, ठीक है, 51-71 के आसपास इसमें एलईडी है, ऐसा इसमें कहा गया है एमएम के। तो इसकी साइज की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 इंच, ये 3 इंच है और ये 4 इंच तक जाएगा। 50 वॉट का एक एलईडी फोकस है, कंपनी कौन सा है इससे कोई डिफरेंट नहीं है किस कंपनी का ये पीस है या ये एलईडी फोकस है। तो मैंने यहाँ पर चौक जो है नया चौक इसमें इंस्टॉल करा है। जैसे कि इसके अगर आउटपुट की और इनपुट की बात करें तो 240 से 210 तक ये आता है, और आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर 24। अगर क्लियर ना दिखे तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा और आवाज की तरफ ध्यान दीजिएगा। 50 वॉट और इसका इनपुट है 100 वाट से लेकर 300 वाट तक वोल्टेज तक, और आउटपुट है डीसी 24-40 वोल्ट, और एम्पियर की बात करें तो 1500 एम्पियर इसमें है। तो मैंने इसे लगाया है, अब इसे हम तो है सीरीज में चेक करने वाले, क्योंकि सीरीज में चेक करें तो अगर कोई फॉल्ट होता है तभी भी हमारे वायर या किसी और चीज को इससे नुकसान नहीं होता, इस कारण से सीरीज में चेक करता हूँ। तो फिलहाल इसे ऐसे काम के लिए हमें मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम इस मल्टीमीटर को यहाँ पर देख सकते हो, इसमें पावर ऑन करा तो पावर ऑन करने के बाद यहाँ पर कुछ एलईडी जो है ग्लो कर रही है। अब बारी आती है इसके अंदर आने वाला जो वोल्टेज है वो सेम आ रहा है, कितना आ रहा है और क्या हो सकती है इसकी दिक्कत, आपको ये भी समझ लेना जरूरी है। और जो मैं प्रोसेसर कर रहा हूँ इस प्रोसेसर से ये एलईडी टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा ये भी मैं इसमें बताऊंगा। तो फिलहाल बहुत सारी एलईडी ऐसी है जो टिकती है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी अंदर तक जाएंगे ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो पहले तो हमें डीसी करंट पर रखना है, क्योंकि इसमें आउटपुट होने वाला वोल्टेज होता है वो डीसी होता है। तो मैं यहाँ पर 200 के रेंज पर रख रहा हूँ, 1000 पर भी आप रख सकते हो, 20 पर रख सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो माइनस वाला पॉइंट है ये है माइनस और ये है प्लस वाला। तो चाहे तो आप इसे शॉर्ट करके भी चेक कर सकते हो, डायरेक्टली आपका चौक जो है वो पूरा खराब नहीं होगा या फर्स्ट टाइम में खराब नहीं होगा, 10 बार अगर शॉर्टेज होता है तो खराब हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे तो देख सकते हैं, और अपने मल्टीमीटर पर आप यहाँ पर डीसी करंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर देख रहे हो कितना आ रहा है, 44 यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, 44 से ज्यादा, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया ये आउटपुट वाला वोल्टेज, और क्या वजह है अभी यहाँ पर ये एलईडी जो है ग्लो कर रही है। लेकिन आपको लाइन में आपको दिख रहा होगा कहीं पर यह एलईडी जो है मिसिंग है, ये एलईडी मिसिंग है, आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे मैं इसे टच कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सा ग्लो हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये बात करें ये पर एलईडी भी उसी प्रकार से चल रहा है, और ये एलईडी बंद है, ये बंद है। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास ये पैड होना चाहिए, डायरेक्ट हम इसे पैड को चेंज करेंगे एलईडी प्लेस को, या अगर आप खुद घर पर यूज करने वाले हैं तो ठीक है आप इसे क्या बोलते हैं उसको एडजस्टमेंट या जुगाड़ के तार पर इसे ऑन कर सकते हो, और इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जो लाइफ है वो कम हो सकता है, ऐसे मुझे इस सिचुएशन में लग रहा है। तो अब इसे हम ऑन करेंगे, किसे ऑन कैसे करते हैं ये मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो मल्टीमीटर की ही सहायता ले रहा हूँ, क्योंकि किसी और फ्रॉक से मुझे जितनी सेफ्टी मिल रही है यहाँ पर इतनी सेफ्टी इस फ्रॉक से मिलेगी। तो इसे मल्टीमीटर को मैंने ओम्स के सौर पर डाल दिया है ताकि ओम्स में शॉर्टेज होता है। तो हम शॉर्टेज की तरह हम यहाँ पर चेक करने वाले कि इसमें एलईडी जो है ये अगर शॉर्ट करा तो क्या होगा, ये पूरी लाइन यहाँ पर बंद हो गई है, बाकी की लाइन चल रही है। तो ये है, इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल में है, पूरी तरह से पैरेलल है, अब ये एलईडी चल ही नहीं रही, देख सकते हो। तो यहाँ पर किसी प्रकार से यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट करा, देख सकते हो इसका ये पूरा जो एलईडी है वो एलईडी जो है इसके कुछ एसएमडीज खराब है, ठीक है, इस वाली ये वाली ये वाली, पर इसके ये लाइन और ये लाइन पूरी तरह से डैमेज है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे शॉर्ट करा, देख रहे हो कोई मसला कुछ भी नहीं, कोई एलईडी में फर्क कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं गिर रहा है। लेकिन जैसे मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ तो कुछ एलईडी में थोड़ा सा नॉर्मल सा फर्क दिखता है, इस वाले भी देख रहे हो, यहाँ पर टच करें तो भी चल रहा है। लेकिन आपको समझ लेना कि ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब पैसल पैसल, और ये सीरीज में यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर ये बात करें कि यहाँ पर सीरीज में होने की वजह से यहाँ पर जम्पर जो है वो कट चुका है, ये यहाँ पर कटने की वजह से ये साइड में एलईडी नहीं जा रहा है, मतलब पावर नहीं जा रहा है, तो ये ग्लो नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ देख सकते हो पूरी तरह से इसकी जितनी भी ब्राइटनेस है वो ये ब्राइटनेस यहाँ पर दिखा रहा है। तो जैसे आपकी ये लाइन जो बंद होती हो जाती है तो आपको यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर खास बात बता रहा हूँ, देख रहे हो, जैसे मैं इसे किसी और एलईडी को टच कर रहा हूँ, कौन सी, तभी एलईडी इसमें खराब है जो कि खराब होने की वजह से इसमें वोल्टेज जो है आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर
इसे हम शॉर्ट करेंगे, किसी तभी एक एलईडी को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई डिस्कस या किसी और पर्याय का मतलब नहीं रहता है। इसमें कुछ ना कुछ करके इसे फोक्स को, इस एलईडी को हमें ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे जंप कर दिया, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इसे हमने जंप किया है तो 50 वोल्ट जो है ये पैरेलल में है इसके बारे में, तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 है, तो 50 वोल्ट हो जाएगा डिवाइड 12 वोल्ट में, 12 एलईडी में 50 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा। अगर 10 एलईडी होती तो 10 10 वोल्ट का एक एक पैरेलल होता, तो 9 वोल्ट की एक इसका जो है लाइन है, 9 वोल्ट की एक लाइन है। तो इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, एक लाइन 9 वोल्ट की है, मतलब कम से कम एक एलईडी 1 वोल्ट की है, ठीक है, 1 एलईडी 1 वोल्ट की है। तो ये 10 वोल्ट हो गया, पूरा 10 वोल्ट का है। जैसे हमने यहाँ पर जंपर कर दिया तो इसका जो वोल्टेज है 50 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, आपके सामने दिखाया 44 यहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो आउटपुट होने की वजह से यहाँ पर हमें वोल्टेज जो है ये डैमेज करने की वजह से, मतलब यहाँ पर ये शॉर्ट कर दिया, तो ये हमारा ही चल जाएगा, ठीक है, ये तो चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो चल जाएगा, लेकिन इसमें होगा क्या, इसका जो वोल्टेज है जो 9 वोल्ट एक्स्ट्रा हो रहा है, जिसके कारण, किसके कारण यहाँ पर हम इसे शॉर्टेज कर रहे हैं, किसी भी एक एलईडी को यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया कि कौन सा एलईडी खराब है, तो आप इसे निकाल के दूसरा एलईडी भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जब तक दूसरा एलईडी नहीं लगाओगे तब तक ये दूसरे जो पैरेलल है वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमने इसे थोड़ा अच्छी तरह से शॉर्ट कर लाओ, क्योंकि ये लाइफ टाइम भी चल सकता है और कई कबार 1 महीना 2 महीने के बाद भी ये चलेगा। अगर घर पर यूज कर रहे हो या आपको इसकी जरूरत है या एडजस्टमेंट करना है, तो आप इस प्रकार से इस एलईडी को ऑन कर सकते हो, लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं चलेगा, ये मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी दिक्कत में, कोई भी इस प्रकार के ट्रिक का मैं ये मतलब नहीं समझ रहा हूँ कि अगर आपको मैंने बता दिया कि लाइफ टाइम चलेगा और ये चलना नहीं चला, तो आपको ये झूठ बोल दिया, इस प्रकार से हो सकता है। इस कारण से मैं आपको जो सही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम इसे ऑन करेंगे, देख रहे हो जो ब्राइटनेस है इसके अंदर, वो ब्राइटनेस इसके अंदर वही आ रहा है। तो आप बारी आती है इसकी वोल्टेज की, तो हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि इसका आउटपुट पहले वोल्टेज था तो वो था 44 वोल्ट, ठीक है, 15 वोल्ट से लेकर 44 तक। तो यहाँ पर हम फिर से हम यहाँ पर माइनस को माइनस रखेंगे और 20 का 20 रखेंगे, तो आपको यहाँ पर मल्टीमीटर भी दिख नहीं रहा है, देख रहे हो। यहाँ पर मैं थोड़ा इसे आपके सामने ही लेके आता हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और सही सही से मिले। तो किसी प्रकार से मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को रख दिया, लगा दिया है, आप देख रहे हो कितना वोल्ट आ रहा है, 32 से लेके 34 तक, ठीक है, इतना वोल्टेज इसमें मिसिंग है। मतलब इस पर क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो आपने जो है एडजस्ट करा है इस वोल्टेज को, इसमें जाने वाला वो इसने एडजस्ट करने के बाद अपना जो है पूरी तरह से ये फोकस जो है पूरी तरह से बन गया है एलईडी, लेकिन ये कितनी देर तक चलेगा या कितने दिनों तक चलेगा ये इसकी वारंटी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं तो आपको एडजस्टमेंट करके भी किसी को दे सकते हो, या आपके खुद के लिए भी इसे रख सकते हो, आप चाहे उस प्रकार से इसे यूज कीजिएगा, लेकिन इसका जो क्वालिटी है वो कम ही रहेगा, मैं आपको पता। तो फिलहाल झूठ मूठ की बातें कोई कुछ भी नहीं, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।